मुश्किल से एक तो बाहर आते घर वाले कहते हैं छेती करो छेती करो चलो घर और मुझे रोज़ा भी इतना लग रहा है क्या करूँ चक्कर आ रहे हैं मुझे तो... अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो तो कैसे बताएँ कमेंट में कि ये नाहू कैसे लग रहे हैं और आप सबको ज़्यादा मुबारक हो और मेरा आज ईद का सूट आ जाना है और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आ, मेरा ईद का सूट आ रहा है मुझे इतनी खुशी है ना इस चीज़ की कि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई कि मेरा फाइनली फाइनली ईद का सूट जो है सो सिल के आ रहा है <laughs> मैं इतनी खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बस मेरा ईद का सूट आ रहा है वो भी सिल के टाइम पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कम व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा हुआ है कि मैं ना बैठ गई क्योंकि मुझे रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है और ऊपर से मेरी जो फ्रेंड पे आई हुई है उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वो मुंह बना के दो उधर तो फिर रही है कि जी मैंने कुछ नहीं अब लेना तो मैं उसको समझा रही हूँ कि प्लीज अपसेट मत हो क्योंकि उसका ईद का ड्रेस भी नहीं आया सो डेट्स वाई तो ये यहाँ पे कोई स्टोरी सी चल रही है अच्छा जी मैं यहाँ पे बैठ के ना आप लोगों को जे जेडोड और जे जेडोड की कुछ यहाँ पे ना आप चाँद रख तक आप यकीन करें यहाँ पे अभी तक शॉपिंग हो रही है तो ये हुआ है कि ये लोग जो शॉपिंग कर रहे थे मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ मैं बैठ गई थी क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है और ना आपको पता ही यह गर्मी है बहुत ज़्यादा तो उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ हाइपर सी हो रही हूँ तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम ले लो चूड़िया अब इसका मूड जो है वो ख़राब हो चुका है और कैरियम पैसे नहीं मिले तो मैंने कुछ भी नहीं लेना ऐसे थोड़ी होते हैं इतनी सी बातों के लिए दिल थोड़ा करते हैं है? बताओ इतनी इतनी बातें हो जाती है इंसान छोड़ के चले जाते हैं और तुम इतनी सी बात के लिए इमोशनल हो गई है कि तुम्हें पैसे नहीं मिले पैसे इंसान छोड़ के चले जाते हैं चलो तुम उसे ले लेना ईद का ड्रेस मेरा आना है ठीक है सेकेंड डे का वो तुम पहन लेना तो वह बस शॉपिंग तो हो ही चुकी थी और मेहंदी वगैरह भी मैंने लगा ली थी लेकिन मैंने एक हैंड पर लगवाई एक दूसरे हैंड पे नहीं लगवाई और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैंने सोचा अफतारी क्यों ना बा कर ली जाए और डिनर भी बाहर ही कर लेते हैं फैमिली के साथ बाहर आई हुई हूँ तो सो सोचा उनके साथ डिनर और जो है ना अफतारी बाहर हो जाए तो क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं मिला बाहर निकलने का सारे रोज़े घर में ही रखे हैं और सारी अफतारियाँ भी घर में ही थी तो कुछ इबादत का महीने में में ही ना होता है तो मेरा ज़्यादा जा, कोशिश यही होती है कि इबादत ही की जाए तो क्योंकि एक मंथ तो होता है जो हम लोग ज़्यादातर इबादत करते हैं सो so, उस रूटीन में से कभी भी बाहर निकला नहीं गया तो मैंने सोचा आज बाहर निकल ही आए हैं तो फैमिली के साथ डिनर करते हैं बाहर शायर तो यहाँ मैं आई हुई हूँ जी ये पहलवानी कढ़ाई है रेस्टोरेंट uh, है और यहाँ मैं पहले कभी नहीं आई तो यहाँ पे आई हूँ यहाँ का खाना ट्राई आउट करते हैं देखते हैं कैसा खाना यहाँ पे है और ये यह यहाँ का वेन्यू है जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा और ट्राई करेंगे यहाँ के फूड को एंजॉय करेंगे और जी uh, अपना जो है ना आज का दिन बेस्ट से बेस्ट गुजारेंगे तो व्यूवर्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरा चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो करे और मैं ऐसे ही अपने ब्लॉग्स जो है आपके साथ शेयर करती रहूँ और व्यूवर्स में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं जैसे रेसिपी मैंने आपको सिखाई है ईद पे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ऐसी रेसिपी सिखाती रहूँ तो ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है बट आपने देखना ज़रूर है इसे एंड तक और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मैं मिलियन की रेस में आ जाऊँ और मेरा सिल्वर बटन मुझे मिल जाए प्लीज़ यहाँ पे व्यूअर्स मैंने खाना जो है अपना ऑर्डर कर दिया है थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ का टेस्ट भी रिव्यू करके बताऊँगी वैसे माहौल यहाँ का बहुत पीसफुल है तो व्यवर्स मैंने सोचा कि आपको करीब से जो है वो मेन्यू की लुक थोड़ी सी दिखा दूँ ताकि आपको प्राइजिस का जो है वो अंदाज़ा हो जाए और रेट्स आपको पता चल जाए अच्छा यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे जी हांडी ऑर्डर की है और जी यहाँ की बिरयानी ऑर्डर की है तो मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं कैसे वैसे यहाँ पर जी थाली भी अवेलेबल है वो आजकल चल रही है इंडियन थाली वो भी यहाँ पे अवेलेबल है आ, इंडियन फूड थाली में खास बात ये होती है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं मतलब के पाँच से छः रेसिपीज़ होती हैं और मीठा ज़रूर होता है तो सैलड होता है रायता होता है इस तरह करके वो थाल बना होता है तो वो भी इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे तकरीबन सारे ही खाने मौजूद हैं कॉन्टीनेंटल से लेके चाइनीज से लेके पंजाबी जो भी तो हर तरह की डिशेस है ना वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी नई नई डिशेस के भी नेम लिखे हुए थे मतलब कि जो हमारे पंजाब की जो हैं फेमस डिशेस जो मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं की वो भी यहाँ पर मौजूद है अफ़गानी जो है रेसिपीज़ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं तो बड़ा ही इन्होंने आ, मतलब के मल्टी मल्टी मीडिया सा इन्होंने बनाया हुआ ना मल्टी भी कह देते हैं और मल्टी मिक्सचर रेसिपीज़ का बनाया हुआ है इन्होंने मैं <laughs> ये कहना था मैंने तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे और ट्राई कीजिएगा अच्छा माहौल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज और ना ग्रीनरी तो ही आंखों को बड़ी प्यारी की प्यारी सी लगती है ठंडी ठंडी सी महसूस होती है गर्मियों का मौसम वैसे ही स्टार्ट हो चुका है गर्मी अब आके बढ़ गई है मतलब कि पहले नहीं थी इतनी लेकिन अब बढ़ गई है तो अब महसूस भी हो रही है लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है ठंडी ठंडी कम लग रही है तो मैं सोचा आपको ओवरऑल यहाँ के रेस्टोरेंट की जो है लुक लगा लुक दूँ ज़्यादा सा ज़्यादा डेकोरेट नहीं हुआ हुआ सिंपल सा है सिंपल थीम रखी हुई है इन्होंने और यहाँ पे ये कैटो प्यारी सी घूम रही थी अच्छा जी मुझे लगा ये पर्शियन कैट है ऐसे वैसे है ये पर्शियन कैट ही तो इसको भी हम इसके साथ मैं ही खेल रही थी मैंने कहा चलो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा <laughs> तो मैंने कहा तुम ही लिफ्ट करवा दो बट मानो बिल्ली का भी कोई ख़ास मूड नहीं है अपनी आवाज़ में मुझसे ईद ही मांग रही है देखिए आजकल के एनिमल्स भी कितने तेज़ गए इनको पता चल गया है कि फेस्टिवल आ रहा है और ईदी है तो ईदी मांग रही है और अब मैं वैसे सोच रही हूँ कि इसको ईदी में क्या चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे यही है कि इसे चिकन चाहिए होगा और या फिर दूध चाहिए होगा इंतजार की okay. तो फाइनली व्यूअर्स यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है मैंने यहाँ की कढ़ाई ऑर्डर की थी मैंने पहले बता दिया था आपको और मैंने यहाँ की जी मटका बिरयानी जो है वो ऑर्डर की थी और वो मटके में ही आई है और रायता है और नान वगैरह है अच्छा जी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि मैं आपको क्या है बताऊँ खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है बाहर आओ तो बस खाना तो अब डायमंड के हिसाब से मुझे प्राइजेस डायमंड के हिसाब से हो चुकी हैं आगे पता नहीं क्या बनेगा वेल well, जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं वो तो आते ही हैं फैमिली के साथ और ये फेस्टिवल जो होते ही नहीं फेस्टिवल से बाहर निकले जाते हैं। वैसे हम बाहर निकलते नहीं हैं अच्छा जी ये मटका बिरयानी है मैंने सोचा उसको आपको लुक दिखा दूँ बड़ी ही मज़ेदार सी अंदर सी खुशबूँ आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है टेस्ट करेंगे और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी क्योंकि मेरा रिव्यू जो होता है ना हमेशा ऑनेस्ट होता है तो इससे रिलेटेड कोई अच्छी सी स्टोरी या कहानी आपके साथ जो बनी हो ईद पे क्या बना आपके साथ कितनी ईदी मिली है आपको वो मुझे कमेंट में जरिए ज़रूर बताइएगा और ईद के दिन आपने कौन कौन सी डिशेस जो हैं वॉय की हैं वो ज़रूर बताइएगा ईद के ड्रेसेस आपने किस कलर के बनाए वो बताइएगा मुझे बहुत ज़्यादा ना फ्योरसिटी होती है अच्छा जी ये मटका बिरयानी जो है वो टेस्ट कर लिया है बहुत ही मज़ेदार है जिन लोगों को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है तो वो तो ये मस्ट ट्राई करें क्योंकि इतनी मज़े की बिरयानी है टोटली स्पाइसी बिरयानी है और कुछ लोग स्पाइसी लवर होते हैं उनके लिए बेस्ट बिरयानी है ये आए और ज़रूर खाएंगे इसे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरफ से आपको टोटली totally रिकमेंडेड है आ, और बहुत ही इसके अंदर जो तमाम स्पाइसेस के फ्लेवर हैं वो बड़े ही मजे से मुंह में एक एक टेस्ट आ रहा था बड़ा मज़ा आया तो व्यूवर्स बात करते हैं अब यहाँ की कढ़ाई की तो कढ़ाई भी इनकी इनका कढ़ाई का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और एज़ कम्पेयर टू तो द बट कढ़ाई जो मैंने वो खाई थी उससे डिफरेंट है लेकिन मज़े की है बहुत ज़्यादा मज़े की है टेस्टी है और ये भी आप मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है मैंने यहाँ की सिर्फ दो डिशेस ट्राई की हैं इसके अलावा मैंने कोई डिश ट्राई नहीं की लेकिन आप आएँ तो यहाँ पर बाकी डिशेज़ भी ट्राई कीजिएगा मेरी अफ्तारी भी होगी और डिनर भी हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया फैमिली के साथ जब भी बाहर निकलो तो एक अलग ही मज़ा आता है हमेशा की तरह तो खाना खाने के बाद जो है वो मेरी ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है होप सो आपको पसंद आई होगी तो मेरी लुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो भी आप कह सकते हैं और ईद की कोई स्टोरी बचपन की या फिर अब तक की आपकी कोई जो खास स्टोरी बनी हो तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आपने अपनी कोई पर्सनल स्टोरी जो है हमें से शेयर की है तो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं अच्छा बचपन में मुझे ये सब झूले लेने का बहुत शौक होता था बस ये खाना खाने के दौरान तो माँ बाप बच्चों को पकड़ते ही रहते हैं मो मो मजो जाना और इसके अंदर झूले लेने और उसके बाद फिर फटाक से उल्टियाँ स्टार्ट तब पता नहीं होता था लेकिन अब पता है कि खाना खाने के बाद नहीं ये काम करने खाना खाने से पहले करने लेकिन बच्चों में ये बहुत क्रेज होता है कि खाना छोड़ छाड़ के बस ये झूले जो होते हैं नजर आ जाए ना झूले शुरू झूले मैया <laughs> वो स्टार्ट हो जाती है ये स्विंग है यहाँ पे और ये बैठने की जगह भी यहाँ पे बनाई हुई है बहुत ही प्लेजेंट सा माहौल इन्होंने बनाया हुआ है रात के टाइम स्पेशली ऐसा जो जब माहौल बना हुआ तो बड़ा अच्छा सा लगता है खाना खा लिया है जी अब तो अम्मी मामा कह रही है चलो अब घर चलो अब कुछ रह तो नहीं गया था तुम्हारा <laughs> <laughs> सारा कुछ तो ले लिया तुमने तो मेरा ईद का ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा बना है और उसकी आप बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा है तो मैं यहाँ पे नए नए कदम उठा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी हील नीचे से क्रैक हो चुकी है <laughs> ये मेरी आज की स्टोरी है हील क्रैक होगी और मैं ना बड़ी राम नाम से चल रही था ताकि ये ना भांडा घूट जाए <laughs> चाहता तो और ईद का मज़ा था ज़्यादातर था जो है वो बचपन में भी आता था लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और यूट्यूबर बन चुकी हूँ तो यूट्यूब पे भी आपके साथ ईद मनाने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत देर टाइम ऐस बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कोई है जो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं और उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ तो इस चीज़ें जो स्पेशल जब इंसान फील करता है ना तो ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा बुस्टअप करती है खुश रखती है ये चीज़ इंसान को और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी पॉजिटिविटी बाकी है अदरवाइज़ जो है ना वो आजकल नेगेटिविटी और टॉक्सिटिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों में लोग वैसे ही जानबूझ के दूसरों की लाइफ में हार्ड्रेस्क क्रिएट करते रहते हैं आई थिंक सो आपको किसी की लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हार्डस तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें ना कि मुश्किल तो ये मेरा आज का मैसेज यही है कि प्लीज़ आप जो भी आपके आस के इर्द गिर्द के लोग हैं ख़ासतौर पर जो लोग लो फील करते हैं ईद के दिनों में उन्हें बूस्टअप करें उन्हें थोड़ा अच्छा करवाने की कोशिश करें उनको उनको उनका साथ दें ना कि उनके लिए परेशानियां और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएं इससे क्या होगा एक वक्त के बाद वो शायद ये चैलेंजेस जो हैं फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे सब्र कर लेंगे और बाद में ऐसा होगा कि वो ये चैलेंजेस और वो ही सब्र आपकी लाइफ में डबल या ट्रिपल होकर आपको मिलेगा ऐसा होता है क्योंकि ये दुनिया गोल है और इस दुनिया को मकफात अमल इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हम देते हैं वो ही हमें वापस मिलता है चाहे हम अच्छा देंगे तो वो हमें डबल होके वापस मिलेगा अगर हम किसी को बुरा देंगे तो वो भी हमें डबल हो वापस मिलेगा तो ये छोटी सी एक चीज़ है छोटी सी बात है इसका ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी अच्छी लगी होंगी और आपको आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो मेरे व्यूवर्स आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विया मलिक और डेढ़ साल प्यार देने का बहुत बारा शुक्रिया तो ऑन दिस नॉट मैं भी हमलेक् आपसे अलविदा लूँगी मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नए वीडियो में इसी तरह एक नए वी के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद ठीक है बाबा अल्लाह एंड थैंक यूर्स फॉर योर ग्रेट इलेवन सपोर्ट एंड बाई फॉर नाव और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूँगी ईद मुबारक यानी छोटी ईद की बड़ी होशियाँ आप सबको मेरी तरफ़ से दिल से मुबारक हों